हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता महज ट्यूटोरियल और आज इलेवंथ क्लास में लेक्चर ट्वेंटी फर्स्ट है ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने आपका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को कम कर दिया है क्या क्या आपको रिड्यूस हो गया है इस सेशन क्या नहीं पढ़ना है वो देखिए फर्स्ट है चैप्टर सेट्स का इसमें कोई कंप्लीट एक्सरसाइज डिलीट नहीं मानी जाएगी आपके दो टॉपिक्स हैं

इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई ऐसे पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं बाकी क्वेश्चन आपने करने हैं सिर्फ जिनमें साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आया था कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई और टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंट वाई ये चीज आई थी वो वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं चैप्टर नंबर फोर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें एक ही एक्सरसाइज थी और ये चैप्टर कंप्लीट बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है ये आपने नहीं करना है चैप्टर नंबर नंबर कॉम्प्लेक्स एंड इक्वेशन इसमें क्या आपका डिलीट हुआ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते थे उनकी पोलर फॉर्म एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट के सम थ्री से लेकर एट तक वो डिलीट हुए हैं और रिलेटेड एग्जाम्पल टॉपिक डिलीट हो गया है एक्सरसाइज और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपके डिलीट हो गए हैं चैप्टर नंबर सिक्स आपको कंप्लीट करना है उसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है ग्राफ uh, का वाला चैप्टर है लीनियर इन बहुत इजी चैप्टर है वो आपने करना है चैप्टर नंबर सेवन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है सिर्फ आप क्या क्या है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला एनपीआर और एनसीआर ये फॉर्मूले आए कैसे इनका डेरिवेशन कैसे हुआ किस प्रोसेस से ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं एनपीआर और एनसीआर क्या मतलब है ये कैसे आ गए जस्ट वो इनका प्रूफ वो डिलीट हुआ है एक्सरसाइज आपको सारी ही करनी है और कुछ डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर नंबर एट बायोम थ्योरम अगेन ये चैप्टर आपका कंप्लीट बोर्ड ने डिलीट कर दिया है इस सेशन आपने पूरी एक्सरसाइज नहीं पूरे चैप्टर नहीं करना है चैप्टर नंबर नाइन सीक्वेंस एंड सीरीज इसमें क्या है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज जो चैप्टर अब हम कर रहे हैं उसमें क्या है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़ एन एन एंड स्कीशन एन क्यूब इस टाइप के मतलब एक्सरसाइज 9.4 जो भी आपके आएगी वो 9.4 आपने नहीं करनी है चैप्टर नंबर टेन स्ट्रेट लाइन लाएं, स्ट्रेट लाइन्स में आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमारे पास मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी हैं तो आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल नहीं करने हैं और एक पर्टिकुलर टाइप क्या ऑफ 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 फैमिली पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ लाइन पासिंग होती हैं उनकी equations. ये टॉपिक अभी आपके आगे आएगा तो ये टॉपिक नहीं करना है आपने चैप्टर नंबर इलेवन अगेन कॉनिक सेक्शन है इसमें लास्ट एक्सरसाइज आपकी हाइपर बोला इसमें सर्कल है इलिप्स है पैराबोला है हाइपर बोला है तो जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी इलेवन पॉइंट फोर हाइपर बोला की वो डिलीट हो गई है चैप्टर नंबर ट्वेल्व आपको कंप्लीट करना है इंट्रोडक्शन टू तो थ्री थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्टीन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वो भी आपको कंप्लीट करना है दोनों ही चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग ये कंप्लीट चैप्टर बोर्ड ने सिलेबस से हटा दिया है चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक इसमें आप क्या करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एक्सरसाइज आपको 15.3 नहीं करनी है चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर इसमें क्या है आपको एक्सिओमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 आपने नहीं करनी है अगेन नोट क्या है कि चैप्टर सिक्स चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर थर्टीन इनसे कोई रिलीट नहीं हुआ है ये तीनों ही चैप्टर आपको करने हैं एक और बात कि यहाँ पे ममता मैथ्स ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल में कंप्लीट सिलेबस ही कराएंगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको डिलीटेड कर, सिलेबस करना है या फिर नहीं करना है मैं आपको राय दूंगी कि आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए क्योंकि ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये सिर्फ इस सेशन के लिए रिड्यूस हुआ है नेक्स्ट सेशन कंप्लीट सिलेबस ही बच्चे करेंगे तो जब आप ट्वेल्थ में हो जाओगे तो आपको इलेवेंथ का सारा आना चाहिए एक और बात हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर वाइज और एग्जांपल्स वो भी करेंगे होप कि आप अपने नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से आपके माइंड में पता चल गया अच्छे से कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू